हापुड़ के गांव दोमी में रेलवे लाइन के पास अवैध प्लॉटिंग काटी जा रही है। अवैध प्लॉटिंग का भराव भी तेजी से हो रहा है, वहीं बाजार में सौदा भी उतर गया है। ऐसे में अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि वह आंखें मीच लेते हैं, जिससे विभाग की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि कोई अपने घर का रिनोवेशन भी कराता है तो प्राधिकरण को इसकी जानकारी मिल जाती है, लेकिन अचंभे की बात तो ये है कि गांव दोमी में बड़े स्तर पर प्लॉटिंग की जा रही है। खंड को भूखंडों में बेचा जा रहा है, मिट्टी का भराव भी किया जा रहा है। नियमों के विपरीत हो रही अवैध प्लॉटिंग से आसपास के क्षेत्र के लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। डंपरों का आना जाना लगा रहता है, धूल उड़ने से लोगों को परेशानी हो रही है। अवैध प्लॉटिंग आखिर किसकी शह पर हो रही है, इस सवाल बना हुआ है। मामले की जांच गंभीरता से होनी चाहिए कि आखिर यह प्लॉटिंग किस तरह पनप रही है। Mm-hmm.